Discipline is the bridge between goals and their accomplishment. अनुशासन लक्ष्यों और उनकी पूर्णताओं के बीच का बांध है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भोला प्रसाद, आप देख रहे हैं YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो हर स्किन के अलग अलग तरह के पैक के बारे में है। पैक मतलब फेस पैक। जी हाँ, आज का जो वीडियो है वो हर तरह के स्किन के यानी त्वचा के पैक के बारे में, यानी आप अपने त्वचा को किस तरह से साफ सुथरा स्वस्थ और निखार ला सकते हैं उसके बारे में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछ रहा हूँ बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फेस पैक में अरोमा ऑयल और फलों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अच्छे पार्लरों में यंग स्किन मास्क का प्रयोग किया जाता है जिसमें कोलेजन होता है। एंजाइम और ग्लो पैक में कुछ खास एंजाइम्स होते हैं जिससे त्वचा चमकदार बनती है, ग्लो होती है त्वचा और साफ सुथरी भी होती है। तो जानते हैं ऐसे अलग अलग पैक्स के बारे में जो अलग अलग स्किन के लिए ठीक होते हैं। अब बात करते हैं सामान्य त्वचा के बारे में, यानी कि नेचुरल जिनकी स्किन है जिनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और स्किन नेचुरल हेल्दी है, उनके लिए जो पैक है वो खीरे के रस के साथ एक चम्मच चंदन का पाउडर, एक चम्मच कैलामाइन पाउडर और एक चम्मच आप उसमें मिलाएंगे मुल्तानी मिट्टी। इन चारों चीज़ों को मिक्स करके इसका पैक सामान्य स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद। अगर आपकी त्वचा तैलीय है यानी कि ऑयली स्किन है तो इसमें आप कौन सा पैक यूज़ करेंगे वो ये है। एक चम्मच चंदन पाउडर, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर और एक चम्मच केओलिन पाउडर, ये सब आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। और इसके साथ में आप मिक्स करेंगे अंडे का वाइट भाग, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट पेस्ट होता है अंडे का, येलो वाला नहीं, जो ट्रांसपेरेंट होता है पानी जैसा, वो पार्ट को आप मिलाएंगे। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप अपने चेहरे में मिक्स करके लगाएंगे और 20 मिनट के बाद इसे आप धो लेंगे। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद। अब बात करेंगे शुष्क त्वचा के बारे में, यानी कि ड्राई स्किन के बारे में। इसमें आप जो पैक बनाएंगे वो है केले का पेस्ट, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, मिल्क पाउडर और कच्चा दूध। ये सारा आप एक एक चम्मच लेंगे। ये शुष्क त्वचा की नमी को बरकरार रखता है और चेहरे को हेल्दी बनाता है। इसके साथ ही आप शुष्क त्वचा के लिए शहद लगाकर भी आप रख सकते हैं और फिर इसे बाद में धो सकते हैं। ये चेहरे की नमी को बरकरार रखता है। इसके साथ ही आप एक और पैक लगा सकते हैं शुष्क त्वचा के लिए, वो है बादाम का पाउडर, चंदन का पाउडर और कच्चा दूध। ये तीन पैक आप अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम में आप लगाकर अपने शुष्क त्वचा यानी कि ड्राई स्किन को अच्छा सुंदर स्वस्थ और नमी के साथ त्वचा को अच्छा रखना है। चेहरे का रंग साफ करना है यानी कि चेहरे में एकदम वाइटनेस लाना है तो आप पपीते का पैक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर में आप चंदन पाउडर और पपीते का रस और मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा सकते हैं। अगर चेहरे में टैनिंग हो गई है यानी कि धूप से थोड़ा झुलस गया है, धूल मिट्टी से ज़्यादा टैन हो गया है तो आप प्रयोग करेंगे संतरे का रस, इसके अंदर में केओलिन पाउडर और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ये तीनों चीज़ों को आप मिक्स करेंगे और अपने चेहरे पर लगाएंगे, आपके चेहरे की टैनिंग को दूर करेगा। इसे आप हफ्ते में एक बार प्रयोग कर सकते हैं अपने चेहरे के स्किन के अनुसार। अगर आपके चेहरे में मुहासे हैं और उसके दाग को आपको दूर करना है तो आपको एंटीसेप्टिक पैक का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आप पुदीने का रस, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, एक चम्मच चंदन पाउडर और गुलाब जल, इन चारों चीज़ों को मिक्स करके अगर आप इस पैक का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुहासे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। तो ये था आज पैक के बारे में वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आएगा। मेरे इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।